और भाई लोग क्या हाल है। मैं दो रिटेक्स ले चुका हूँ वीडियो बनाने में, समझ नहीं आ रहा कैसे थैंक यू करूँ। सिंपल सी बात है, जो दिल से आ रहा है वही बोलूँगा। अब मेरे से वो नहीं होगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। ये यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन है, पहले इसकी मैं ओपनिंग कर देता हूँ आप लोगों के सामने, उसके बाद मैं दिल की कुछ बातें बताऊँगा आपको। सो फाइनली अपना सिल्वर प्ले बटन आ चुका है। देखो कैसे क्या बोलूँ मुझे कुछ पता नहीं, बस इतना बोलूंगा कि ये जो लड़का, ये जो बंदा आपके सामने वीडियो बना रहा है, जो बातें करेगा अभी आपसे, वीडियो को एंड तक देखना, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दूंगा और पक्का आप मोटिवेट होकर जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये जो लड़का है ना, ये 1500 रुपये लेके आया था रांची से दिल्ली में अपने सपनों को जीने के लिए। और आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस होंगे, मेरी लाइफ में बहुत है, मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि वीडियो को फिलोसफिकल नहीं बना सकता, मैं रोने नहीं आया हूँ। तो आपसे दिल की बात बताना चाहता हूँ, जब मैंने फिटनेस में अपना करियर, अपनी ये जर्नी शुरू करी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊँगा। मेरी सैलरी होती थी 11,000 रुपये, तब भी मैं 5,000 अपने फिटनेस में स्पेंड करता था। और सोसाइटी वालों ने बहुत टांग खींची थी कि भाई कुछ नहीं रखा, जॉब पे ध्यान दे लो, ये सारी चीज़ें। आज एक रिप्यूटेड कंपनी में जॉब भी करता हूँ, चलो आज मैं डिस्क्लोज कर ही देता हूँ, HCL टेक्नोलॉजीज, रिमोट डेस्कटॉप इंजीनियर हूँ उसमें। सो गाइस, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, कैसे थैंक यू करूँ आपको, क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना ही बोलूँगा कि आज मैं खुश हूँ, पर असली खुशी मुझे उस दिन मिलेगी जिस दिन हर एक मिडिल क्लास बंदा, लोअर मिडिल क्लास, जो फिटनेस गोल को अचीव करना चाहता है, जो अपने फिटनेस जर्नी में अच्छे से बढ़ना चाहता है, जो अपनी ड्रीम फिजिक को अचीव करना चाहता है, जिस दिन मैंने उन सब के लिए फिटनेस को बहुत ईजी बना दिया, उस दिन मैं मानूंगा कि सच में मैंने कुछ अचीव किया है। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक अचीवमेंट है। जब मैं यूट्यूब पर आया था तो लोगों ने बहुत कुछ बोला था कि टिकटॉक में फिटनेस का ट्रेंड मेरा ही शुरू किया हुआ था शॉर्ट वीडियोस का, तो कई लोगों ने बोला था कि अबे भाई टिकटॉक है, मतलब टिकटॉक तक ही रहो, यूट्यूब पे ऐसे नहीं चलता, ये सारी चीज़ें। पर पता नहीं क्यों अंदर एक विश्वास था कि जब वहाँ पे प्यार दिया लोगों ने टिकटॉक पे, तो क्यों दिया, मेरे कंटेंट की वजह से दिया, तो वही कंटेंट अगर मैं यूट्यूब पे दूंगा तो शायद लोग मुझे प्यार करेंगे। और ट्रेमेंडसली प्यार किया आप लोगों ने, मैं शायद उतना नहीं कर पाता आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं कोर फिटनेस में नहीं हूँ, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दे पाता, मेरे पास इतने रिक्वेस्ट आते हैं, मैं उतना नहीं कर पाता आपके लिए। पर जितना बनता है अपने पूरे बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के, वो सब करता हूँ और सब कुछ करना चाहता हूँ। जो DMs आते हैं ना मेरे पास, जो मेरी वीडियोस को देख के लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, मुझे कहते हैं कि रवि भाई आपने फिटनेस को इजी बना दिया, तो एक ग्लैड वाली फीलिंग आती है, लगता है कि हाँ कुछ अचीव किया। सो गाइज, मेरा मैसेज आप लोगों को यही रहेगा, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, अपने पैशन को जियो, अपने ड्रीम की तरफ बढ़ो। बहुत सारी चीज़ें होगी, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, लव लाइफ, ब्रेकअप, मेंटल, मतलब कभी डिप्रेशन में जाओगे, सब कुछ तुम्हारे भाई ने भी झेला है। और अभी भी जिंदगी इतनी आसान नहीं है, हम इन्फ्लुएंसर्स, हम सारी चीज़ें आपसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, पता नहीं कौन स्क्रीनशॉट ले ले, कौन कॉल रिकॉर्डिंग करके वायरल कर दे, बस दिल की बातें जो निकल रही है सुनते जाओ। सो गाइज, बस आप सभी मेरे भाइयों से, अगर कोई बहनें देखती है तो बहनों से, सबसे यही बोलूँगा, इस भाई का सजेशन मानो और अपने पैशन को फॉलो करो। मैं सिर्फ फिटनेस तक लिमिटेड नहीं हूँ, किसी को अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है मैं उसको वो कर देता हूँ, अगर कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है उसको पता हो कि लोगों को मैंने वैसे ही सप्लीमेंट्स दे दिए। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बस एक बात बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ, क्योंकि जो दिन मैंने देखे है ना, जो जिस दिन को देख के यहाँ पे पहुंचा हूँ आज मेरे पास, थोड़ा सा मुझे जान लो, क्योंकि आप अभी करंट कंडीशन जानते हो रवि फिटनेस 07 की, रवि भाई की क्या जिंदगी मैंने जी है वो आप जानोगे। तो शायद मैं ऐसा फिलोसफिकल नहीं करना चाहता वीडियो पर, बता देता हूँ, कई महीनों तक 15-15 रुपए की थाली आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे खाई है मैंने, बस से ट्रैवल किया है बहुत, मतलब एक एक मिडिल क्लास से भी नीचे लेवल की जो लाइफ है वो जी के पहुंचा हूँ यहाँ तक। पर मैं सच बता रहा हूँ, फिटनेस इंडस्ट्री के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि आज जो पहचान मिली है उसकी वजह से मिली है, कई लोगों का बहुत ट्रेमेंडस सपोर्ट रहा है मोरली और फाइनेंशियली, तो सबको थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, सारे फॉलोअर्स का, फैमिली का, जो भी मुझे देखते हैं सुनते हैं। और अगर ये वीडियो ऐसे ख़त्म कर दूंगा तो ये फिलोसफिकल हो जाएगी, तो एक इन्फॉर्मेशन के साथ ख़त्म करूंगा ये वीडियो। जिंक से रिलेटेड बहुत क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि सर जिंक पे आपने वीडियो बनाई तो वो टैबलेट कैसे लेना है, कौन सा टैबलेट है, तो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस टैबलेट का, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। और जिंक को कैसे लेना है मैं बता देता हूँ, आपको इनिशियली 1 हफ्ते तक कंज्यूम करना है, उसके बाद 1 हफ्ते का गैप करना है ताकि बॉडी जो है नेचुरली उसको मतलब क्या कहते हैं उसको जनरेट करना शुरू कर दे। और उसके बाद आप अगर देखते हो कि आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा हो चुका है, आप लिफ्ट अच्छे से कर पा रहे हो, तो 1 हफ्ते गैप के बाद फिर 1 हफ्ते चलाओ। और अगर आपको ज़रूरत फील नहीं होती तो डिसकंटिन्यू कर दो, किसी भी दवाई पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। सो गाइज, मैं बहुत खुश हूँ, दिल से शुक्रिया एक बार और आप लोगों का,
थैंक यू सो मच। बस इस भाई को ऐसे ही प्यार करते रहना, ऐसे ही सपोर्ट देते रहना। तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जितना मुझसे हो सकेगा आप लोगों के लिए उतना करूँगा, सब कुछ करूँगा, फिटनेस इजी बना दूंगा, वर्कआउट वीडियोस वगैरह सब लेके आऊँगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए। बाकी मैंने अपनी कंडीशनिंग थोड़ी अच्छी कर ली है, तो इस पर कमेंट देके जाना भाई को, ये देखो कैसे की क्या किया सब कुछ बताऊँगा। सो गाइस दैट विल बी ऑल, आज की वीडियो थोड़ी छोटी है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।